ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आनंद में रखे, बस यही हमारी दुआ है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन लोगों से हमें सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात अभी चल रहे हैं, सब सारी जो चीज़ें घटित हो रही हैं, इन सभी में ये बहुत हद तक ये लोग का इसके पीछे हमारे जीवन में कई सारी तकलीफ़ें लेकर आ रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको वो जानकारी मिले जिससे कि आपकी कोई बड़ी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ से आप बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, चर्चा को थोड़ी सी आगे ले जाऊँ, मैं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी वर्तमान में आपके जीवन में आप कोई तकलीफ़ या परेशानी से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम अभी तो हमारे पल अच्छे चल रहे हैं या ख़राब चल रहे हैं, या हम अभी माहौल जो है ज़िंदगी का, बस जीवन चल रहा है। इस जीवन में जो हम एक सामान्य जीवन अच्छे से जी रहे हैं, उसमें कुछ लोग हैं, खासकर ये चार तरीके के लोग, ये लोग एक अच्छे खासे जीवन को तकलीफ़ में डाल सकते हैं। सबसे पहली बात कि इन लोगों को हमें कैसे पहचानना है, दूसरी बात है कि इन लोगों से कैसे दूरी बनाना है, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन लोगों से हम किस तरह से खुद को बचा कर रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमज़ोर हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इनसे नहीं लड़ सकते हैं, या हम मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ इसमें कि आपके लिए सब चीज़ें गलत या सही हैं, मैं उन सब चीज़ों पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये लोगों को आप आइडेंटिफाई कर लें, पहचान लें और इनसे स्वतः ही आप दूरी बना लें, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। सबसे पहले वो लोग जो लोग आपके और आपने उनके बुरे वक्त में मदद की और वो लोगों ने आपको पेट दिखा दी, मतलब जैसे उदाहरण के लिए समझिए, किसी के आपने उसके बुरे वक्त में मदद की, मदद करके उसको बाहर निकाला, और उसने बाहर निकलने के बाद ही आपकी बुराई करना शुरू कर देना, या आपको उसको कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो आप जानते हैं कि हमने उनकी मदद की, हमने उनको उस ख़राब दौर से बाहर निकाला। तो ऐसे लोगों से हमेशा के लिए आप दूरी बना लें, और जब भी ये जीवन में कभी भी परेशानी में आए तो उनकी परेशानी उनके हाल पर उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत भावुक है, सरल है, आप मदद करने ज़रूर जाएंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइएगा। क्यों, इसलिए मैं मदद की बात कह रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशन से हमारा मोरल डाउन होता है, हमारा आत्मविश्वास डाउन होता है, और हम खुद को ठगा महसूस करते हैं। दूसरे वो लोग जो लोग बातें इधर की उधर करते हैं, इनको कुछ बोला, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, ये कभी ना कभी तनातनी का माहौल ख़राब कर सकते हैं। तीसरे वो लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जिनका चरित्र सही नहीं है, उनसे दूरी बना के रखें। और चौथे और सबसे घातक इस युग के लोग हैं वो नशा करने वाले लोग, जो नशा करते हैं उनसे आप दूरी बना के रखें। कुछ मजबूरियाँ है तो कैजुअली रिश्ते रखें बस, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस मेंटेन रखें, ज़्यादा जितना काम हो उतना ही बात करें, बाकी बाहर रहें। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय।